नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं सीनियर सिटीजन कार्ड कौन लोग बनवा सकते हैं, सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनेगा, कब बनेगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर ये बन गया है तो बनने के बाद इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, एक ही वीडियो में सीनियर सिटीजन कार्ड का पूरा डिटेल आप लोगों को मिलेगा। इस वीडियो को मैं ऐसे बना रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कई एक बार वीडियो बना चुका हूँ तो जब सात तरीके से वीडियो बना दो तो उसमें कुछ बातें छिप जाती है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए बताना उचित नहीं होता है, और जो चीज ना बता रहा हो उसके लिए कमेंट आ जाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बनवाने से लेकर के फायदे तक का पूरा तरीका बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की किसी प्रकार की आवश्यकता ना पड़े। और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर होगा तो मैं आपके कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, अगर बड़ा मैटर होगा तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से सीनियर सिटीजन कमेंट आते रहते हैं, अदर लोगों के भी कमेंट आते रहते हैं, मैं उनका बिल्कुल सोल्यूशन देता हूं, चार वीडियो का पैकेज बना करके दूं या कमेंट में दूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं सीनियर सिटीजन कार्ड के विषय में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग पूरी वीडियो सही से देख लीजिएगा दोबारा, ताकि आप लोगों को वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं और मैं बताता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो ये सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है, सीनियर सिटीजन होते कौन है, तो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों वर्ग की बात कर रहा हूं, वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, वो लोग सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। नंबर एक स्टेप हो गया, बहुत डिटेल में बना रहा हूं दोस्तों वीडियो को। अब चलते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड, ये सीनियर सिटीजन होते कौन है। अब सीनियर सिटीजन कार्ड में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के विषय में बता देता हूं। तो सीनियर सिटीजन कार्ड राज्य सरकार अपने स्तर पर बनाती है। इस कार्ड को बनवाने के लिए राज्य सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, पर मैं ऑनलाइन का प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। इसके लिए आपको एज प्रूफ में आप लोगों को क्या चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका एज लिखा हो, वो अगर स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट है तो सबसे बेटर है। कि डॉक्यूमेंट जैसे या तो पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, ये चीज चाहिए। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए कि आप कहाँ से निवास कर रहे हैं उसके लिए वैध में राशन कार्ड होना चाहिए, या तो पासपोर्ट हो, या तो इलेक्शन कार्ड हो, या तो बिजली का बिल हो, ये आइटम आपके पास इतना होना चाहिए। ये हो गया आप लोगों का एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अब आप ऑनलाइन अपने स्टेट में कि वेबसाइट जब खोलेंगे वहां पर जा करके आप अपना आधार कार्ड ले रहिएगा। आधार कार्ड में जो नंबर लगा हो मोबाइल का वो अपडेट होना चाहिए और चालू हालत में होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा तभी ये कार्ड बनेगा। आप जाएंगे जनसेवा केंद्र वाले जो तमाम खोल के बैठे रहते हैं उनके पास जाकर के इतनी सामग्री लेकर के जाएंगे, उनसे बोलेंगे 150 रुपए लेते हैं वह अगर वेबसाइट चालू है, क्योंकि कभी कभी बंद रहती है, कभी कभी चालू होती है, 300 दिन खुली नहीं रहती है, इसलिए कुछ लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं और बन नहीं पाता। तो एक बात बता दूं, आप लोग गूगल में बैठ करके अपने स्टेट के वेबसाइट को खोल करके खुद सर्च कर लीजिए कि हाँ स्टार्ट हो गया कि नहीं, जब स्टार्ट हो जाए तो जा करके आप बनवा लीजिएगा। अब ये यहाँ तक तो हो गया सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन बनवाने का तरीका, ऑफलाइन भी आप अपने तहसील के
सरकारी कार्यालय में जा करके वहां पे फॉर्म आते हैं, फॉर्म लेकर के भर सकते हैं, इतने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो ऑफलाइन का तरीका है। उसके प्रोसेस के लिए आपको वहां जाकर के मालूम करना पड़ेगा कि फॉर्म मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के एक अलग अलग रूल होते हैं। अब इसके बाद जब आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बन गया, डॉक्यूमेंट्स को बता दिया, अब जब कोई चीज बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें के फायदे, इसके फायदे क्या हैं? तो दोस्तों इसका फायदा 27 प्रकार का है। सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे 27 प्रकार के हैं, पर आप लोगों को मैं इस वीडियो में 27 प्रकार के फायदे नहीं बताऊंगा, क्योंकि 27 प्रकार के फायदे बनाऊंगा तो वीडियो घंटे भर की क्रास हो जाएगी, इसलिए मैं 27 प्रकार के फायदे को न लेकर के मेन मेन जो आप लोगों को फायदा मिलेगा वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को फायदे की विषय बात बता रहा हूं। अगर आप बैंक में जा रहे हैं एफडी करवाने के लिए तो आपको ब्याज दर ज्यादा मिलेगी, वहीं पे अगर पोस्ट ऑफिस पे जा रहे हैं तो बैंक से भी ज्यादा ब्याज दर मिलेगी। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो कोई कोई एयरलाइंस है वो टिकट में भी छूट देती है। तीसरा फायदा यह है कि कहीं कहीं स्टेट में अगर सीनियर सिटीजन कार्ड आप लोगों का बना है तो बस के यात्रा में भी छूट मिलती है। और नेक्स्ट फायदा यह है कि अगर आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं तो सीनियर सिटीजन वालों की एक अलग लाइन लगती है स्पेशल, वहां पे आपको सबसे बड़ी वरीयता मिलेगी, क्योंकि जाए सरकारी हॉस्पिटल में जाए दो दो दिन आदमी लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वही वही पड़े रह जाते हैं, तो उससे आपको बचत हो जाएगी। तीसरा फायदा है टैक्स में आप लोगों को भारी फायदा मिलेगा, टैक्स जो होता है आम पब्लिक से आप लोगों को अलग लगेगा, 5 लाख तक कुछ छूट मिलती है टैक्स में इसमें जिनका सीनियर सिटीजन कार्ड बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट फायदा यह है कि अगर आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप असहाय हैं, आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, लड़के नहीं हैं, तो इस उद्देश्य पे आप किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर के, ये सीनियर सिटीजन जो कार्ड होता है पूरे भारतवर्ष में काम होता है, बनता तो राज्य सरकार से है पर पूरे भारतवर्ष में काम करता है दोस्तों, तो आप कहीं के वृद्धाश्रम में जाकर के ये चीज बोल करके कि हमारे सहायक के लिए कोई नहीं बचा है, हम एक अनाथ टाइप में हैं, हाथ पैर ही मेरे नहीं काम कर रहे हैं कि मैं कमा खा सकूं, तो इस कार्ड को दिखा करके आप कोई वृद्धाश्रम में वहां पर रह सकते हैं। और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। और सीनियर सिटीजन कार्ड का जो फायदा था सीनियर सिटीजनों के लिए, एक ट्रेन में भारी छूट मिलती थी, अभी भी छूट कुछ है हदों तक है कि ट्रेन में आप लोगों को जैसे स्लीपर कोच के लिए जाते हैं तो आप लोगों को अपर को छोड़ करके नीचे का बर्थ मिलती है, इसलिए कि आप लोग सीनियर हो गए सामान वामान उठाने चढ़ाने में आप लोगों को दिक्कत होती है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं कोई भी लोअर बर्थ खाली है तो आप वहां के जो तिथि होते हैं उनसे बात करके आप वो बर्थ को ले सकते हैं, कुछ थोड़ा प्रोसेस होता है वो करके आप लोगों को दे देते हैं। अगर आप फर्स्ट एसी में यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कई प्रकार की छूट मिलती है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड के ये कई एक ढेर सारे फायदे हैं। आप लोगों का अगर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, पेंडिंग में पड़ा हुआ, काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है, तो आप बात करके ये चीज़ को अपने वकील से बात करके अपने केस को जल्दी लगवा करके जल्द निराकरण करवा सकते हैं। मतलब सीनियर सिटीजन कार्ड के कई प्रकार के 27 प्रकार के फायदे मैं बताया हूँ, मगर कुछ लोगों को ये संदेह बना हुआ है कि जो आप बताते हैं कुछ भी नहीं मिलता, तो मेरे भाइयों जब आप वो कार्य करेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे तब तो आपको फायदा मिलेगा। किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले अपनी ओर देखना चाहिए। जैसे मैं ये एक उंगली आपकी तरफ कर रहा हूं तो 3 मेरे तरफ इशारा कर रही हैं। अब अगर कोई आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कैसे फायदा मिल जाएगा? अगर आपको ये सब फायदे लेना है तो पहले सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना पड़ेगा, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो जब आपको वेट करना पड़ेगा कि जब इसकी वेबसाइट खुलेगी तब आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद फिर ये सारे फायदे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोगों को ये जरूर देखना है कि ऑनलाइन घर में बैठ करके बन रहा है ये कार्ड, मगर 24 घंटे ही चालू नहीं रहता है,
महीने में एक दो दिन के लिए वेबसाइट खोली जाती है, हर एक राज्य का अलग अलग रूल नियम है कैसे क्या है, तो कुछ देर के लिए खोली जाती है फिर बंद कर दी जाती है, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कार्ड नहीं बन रहा, ऐसा कुछ नहीं, कार्ड बनते हैं, कुल मिलाकर के रोज नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और इसे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि अपने जो भाई बंधु हैं उन तक ये बात पहुंच सकेगी, तो उनको भी इस चीज़ का फायदा मिलेगा। और अगर हमारे आपके सहायता करने से किसी को फायदा मिल रहा है तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। और वीडियो अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।